प्लीज आप ऐसा मत बोलिए माँ। ओ चुप कर। वो कह रही हूँ जो तुझे कहना चाहिए था। खड़े खड़े इनकी बकवास बातें सुन रहा है। अरे कहाँ इनकी पोती और कहाँ तू? पता नहीं जी, इन लोगों की आंखें खराब हैं या इनका कोई लालच है या इनकी मत मारी गई है, पर ना इस तरह के घर में रिश्ता करने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता। सकेत, तू भूल गया कि तेरी बहन हमारे घर में भी आई है? ये उसका देवर है जिस पे इल्जाम लगा रहे हो, मेरा बेटा है। जानता है ना मैं क्या कर सकती हूँ, किस हद तक जा सकती हूँ? सावित्री, पहले ना अपने घर आंगन का कीचड़ साफ कर, फिर दूसरे पे कीचड़ उछालना, समझिए? और चल तू, ये लोग तो इस काबिल भी नहीं है कि इनको कुछ समझाया जाए। चल यहां से, कोई बात बात नहीं करनी है। सकेत जी, सकेत जी, माँ आपने सब ठीक नहीं किया, आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए था। माँ इतनी देविका के बारे में बोलना। चुप कर। तू मैंने समझाएगा क्या सही है क्या गलत है, कब क्या बोलना चाहिए? इस घर में ना एक एक बंदे की नब्ज पहचानती हूँ, और मैंने पता है कब किसकी कौन सी नब्ज दबानी है। बात करता है, और ज्यादा देर तो नहीं हुई ना? चलो 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 चलो। लेकिन माँ मेरी बात तो सुनो आप। आपने मुझे नहीं सुनना है, मैंने बकवास ना कर। पर देविका का क्या कसूर है इसमें? देविका का कसूर नहीं है, वो पागल लड़की तेरे पीछे पड़ी हुई है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? कौन सी गलती हो गई है मुझसे? और ये बाहर ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे बारे में? अरे तेरा और देविका का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं वही कह रही हूँ जो दिख रहा है। कई दिनों से तू मेरे होने वाली बहू के आगे पीछे घूम रहा है। कैसी दोस्ती है ये है? और आप लोग भी ना अच्छी तरह से समझ लो कि दाल में कुछ तो काला है, नहीं तो कोई भी लड़का इस तरह किसी लड़की की शादी तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। और ये सब लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में? इतनी उंगलियां उठा रहे हैं मुझ पर, जबकि मैंने हमेशा सोचा कि मेरी वजह से मेरे परिवार वालों का कभी नाम ना खराब हो, कभी उन पर उंगली ना उठाए कोई। और सबके सामने न जाने मेरे बारे में क्या क्या कहा गया है, और मेरे और रवि के ऊपर इतनी उंगलियां उठाई गई, और इन सब बड़े लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं और रवि से अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? क्यों एक लड़का और लड़की अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? क्यों ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ है? पड़ गई कलेजे को ठंड है? हो गई तेरी तसल्ली या और कुछ करना बाकी है? मैं तुझसे चुप कर। तूने आज सिर्फ मेरी नहीं पूरे परिवार की बेइज्जती करी है। बड़ा हक जताती थी ना, मैंने देविका को पाला पोसा है, इसलिए छानबीन करनी करनी है, जाके देखना ही देखना है। तो क्या देखा तूने? क्या देखा? वही सच ना जो सकेत जी खुद बता रहे थे? पर बीजी जब बात उठी थी तो ना देखने से तो अच्छा था ना कि देख के हम जांच पड़ताल कर लेते। आखिरी बार बता रही हूँ रेखा रानी, तूने आज जो किया है ना वो माफी के लायक नहीं है। वो घर के होने वाले दामाद के साथ बदतमीजी है? पर अकल घास चलने चली गई थी तेरी? वो जरूरत क्या थी ऐसे तेवर दिखाने की? देविका के साथ। और ये जो तू जताती फिरती है ना कि देविका को तूने पाला, देविका के लिए ये किया वो किया, तो वो तेरा फर्ज था, समझी? और तूने अकेली ने कुछ नहीं किया। वो तो भला हो सके जी का जो कुछ नहीं बोले, वरना कोई और होता ना उनकी जगह पे तो खड़े खड़े वही रिश्ता तोड़ के चले जाता। आखिरी बार बता रही हूँ तुझे रेखा, ऐंदा अगर तूने ऐसा कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? ओशिता पानी लेकर आ। दिमाग खराब कर दिया। रवि मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया, इस बात को एक मिनट के लिए टांग दे तू खुट्टी पे। अब बता कि तेरे को दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? अरे वो देविका किसी से शादी करे ना करे, मरे जिए, तेनू की फर्क पड़ता है? मां क्या मतलब क्या आपका? मां देविका मेरी दोस्त है, आज अगर मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिली तो उसकी वजह से मिली है।
अब अगर उसकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो मेरा फर्ज बनता है मुझे ठीक करो। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम वीर जी के साथ गलत होने दोगे। इतनी मुश्किल के बाद उन्हें एक लड़की पसंद आई और वो शादी के लिए माने, और तुम्हारी तरह 100 लड़कियां घुमाने फिराने का शौक नहीं पाला उन्होंने। कुछ तो शर्म करते, एक लड़की छोड़ देते उनके लिए। भाभी विक्की, अपनी वोटी को अंदर लेकर जा। श्वेता अंदर जाओ, श्वेता अंदर जाओ। मेरी और रवि की दोस्ती जितनी सच्ची जितनी पक्की है वो शायद मैं कभी किसी को ना समझा पाऊं। और समझाऊं भी तो किस किस को समझाऊं? अपने घर वालों को, उसके घर वालों को, या साकेत जी के घर वालों को? सबको तो गलत ही लगता है हमारे बारे में। क्या करूं मैं, किसको जाके कहूं? दी देवी का दिल, प्लीज मत रो, प्लीज मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज देखिए दी, जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, पर इसमें भी कोई गलती नहीं थी। हाँ प्लीज मत रोइए दी, रवि बहुत अच्छा लड़का है, उसने तो पूरी कोशिश की थी साकेत को तेरी जिंदगी से बाहर निकालने की। हो सकता है कि वो पर्पसली ये सब कुछ कर रहा है ताकि ये शादी ही ना हो। उसने बस प्लान करने में जरा सी गड़बड़ कर दी, मुझसे पूछता ना तो मैं उसे अच्छे अच्छे आइडियाज देती। और वो साकेत, वो तो एक नंबर का चालू इंसान, उसे जरूर कोई चुप हो जा साक्षी प्लीज। बाहर इतना सब कुछ हो गया तो अभी भी मुझसे ये सब बातें कर रही है, तो कभी भी लाइफ में सीरियस नहीं हो सकती ना। मैं तंग आ चुकी हूँ तेरे इस बचपन और मजाक से, और अगर तुझे सब बातें करनी है ना तो प्लीज कहीं और जाके कर। दीप रोना बंद कर। सॉरी दीप, मत रो प्लीज। I'm sorry. सब ठीक हो जाएगा। माँ शंभू को बोलो कॉफी पिलाए, सर फटा जा रहा है। पहले ना एक बोतल जहर लाके पिला दे मुझे, ये सब देखने सुनने से तो अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। एक बार मेरी चिता जला देगा ना तो तू फ्री हो जाएगा, फिर जो जी में आए तेरे करना। माँ क्या बकवास कर रही हो आप? किन्नी बार समझाया तुझे कि तू अपनी हरकतों पे काबू रख, तू इतना लापरवाह कैसे हो गया? और ये सब मामला तूने बाहर कैसे आने दिया? और एक बात बता, वो किसकी फोटो थी जो रवि सबको दिखा रहा था? वो कुड़ी, सबके सामने तो मैंने तेरा साथ दे दिया, लेकिन अब मुझे सच जानना है, पता कौन है वो लड़की? इन्हें साकेत ने झूठ बोलकर सबके सामने अपने आप को सही साबित कर दिया और मुझे बुरा बना दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कब और कैसे इतनी जल्दी उसने होटल वालों से सेटिंग की। मैंने खुद अपनी आंखों से साकेत को उस लड़की के साथ देखा है और मुझे पूरा यकीन है कि साकेत का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। देविका के घर वाले भोले हैं और उसी भोलेपन का फायदा उठाकर साकेत उनको बेवकूफ बना रहा है, उनके इमोशन के साथ खेल रहा है। क्या करूं, कैसे यकीन दिलाऊं देविका के परिवार को कि साकेत झूठ बोल रहा है और मैं सच? क्या करूं? मैं झूठा साबित हुआ सो हुआ, ऊपर से देविका को कितना कुछ सहना पड़ा मेरी वजह से, कितना बुरा फील कर रही होगी वो। लेकिन मैंने जो कुछ किया वो देविका की खुशी के लिए किया। नहीं चाहता था कि साकेत जैसे इंसान से शादी करके वो जिंदगी भर आंसू बहाती रहे, लेकिन क्या हुआ, उल्टा आज मेरी वजह से इतना दुख पहुंचा है देविका को। आज तो मैंने खुद रुला दिया उसे, मालूम नहीं देविका पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त। और तेरी ये पोती है क्या उनके सामने जो मेरा पुत्र लट्टू बन के उसके पीछे फिरे? अरे आसमान को चुनने के बजाय पताल को चुन ले, इतना बेवकूफ नहीं है मेरा पुत्र, समझी? नहीं रवि, अब चाहे कुछ भी हो जाए, साकेत उसकी फैमिली माँ भाभी चाहे कुछ भी कहें कुछ भी करें, मैं इस मामले की तह तक पहुंच के रहूंगा। मैं साकेत का असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। मैं नहीं जानता कि साकेत क्यों झूठ बोल रहा है, क्या छुपा रहा है, लेकिन वो जो कुछ भी है मैं पता करके रहूंगा। मैं साकेत का झूठ सबके सामने लेकर आऊंगा, और ये मेरा वादा है तुमसे देविका, मेरा वादा है तुमसे।